रामदेव बाबा सुनो नाराज हो, इतना पैसा क्यों सिक्योरिटी में लग रहा भैया? ऐसी बात करो तुम नाराजगी मेरी सही है बिल्कुल कतई। कहा देश के लिए ऐसी उपलब्धि दी उन्होंने जो इतना क्या क्या मैं उनकी सुरक्षा में इतना पैसा खराब हो रहा, और ना यहाँ देश में व्यापारी और भी तो है, रतन टाटा जी भी है और भी बड़े बड़े उद्योगपति है, उन्हें कहा क्यों ना दी? इन पे इतनी मेहरबानी सरकार की क्यों हुई? कहा मामला सैंपल उनके फेल हुए सैंपल। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ऐसा काम मिला हमें पौने दो आंख वाले लाला रामदेव जी जो 45 रुपए की लोन का आटा हो जावे। अरे लाला रामदेव में बाबा रामदेव ना व्यापारी बन गया पे। लाला बाबा का काम हो, बाबा का काम, बाबा का जो उनका काम है योग करवाना, हम जैसे युवाओं को स्वस्थ रखना, बड़े बुजुर्गों को स्वस्थ रखना, व्यापार बना करना हो उनका। बताओ तुम व्यापार व्यापारी बंद कर रहे हो, उन्हें वहीं रहना चाहिए। 500 करोड़ का आदमी, 12,500 करोड़ का बीजेपी सरकार में। तो भाई सभी ने मेरा, पूरी सभा ने मेरे, राम राम मेरे देश के किसानों को, बड़ा प्रणाम मेरा। आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी होते हुए भी आप ट्रैक्टर पे बैठे हुए हो, यू ही तो मोदी जी की देन है। और देन कहा देन है, पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी ट्रैक्टर पे आगे होना कहा चाहिए? खिलाड़ी को तो एक मैदान में होना चाहिए। अरे मैदान रोड पे बैठे हो, अरे यू ही तो रोड पे ही लिया, पूरे देश के किसान रोड पे, तो मेरी औकात क्या है भैया? जो देश का अन्नदाता वो रोड पे, मेरी इनके आगे क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं इनके आगे, जब ये रोड पे है तो मैं कौन से महलन में बैठूंगी? जो एक एक्टर है कंगना राणावत, उन्होंने एक बयान जारी किया था कुछ टाइम पहले की है, 1,000-1,100 रुपए में यहाँ पे लेडीज आई हुई है, उनके बारे में क्या कहना चाहूँ? मैंने पहले भी अपनी वाइट में कहा, मेरा घर का घेर बिक जाइयो, 500 रुपए नहीं 1,000 रुपए नहीं 2,000 दूंगी आज ही मेरे घर में काम करने के लिए। इसलिए किसानों के मामले में टांग में तो ना घुसेड़ है, तुझे पता नहीं धनिया का पेड़ हुआ बेल हुआ अदरक पेड़ पे लगे जड़ पे लगे कहा कुछ पता भी है? मैं खामो खा कर लग रही, जो काम है बस वहा कर। जो बाबा रामदेव जी है उनका भी कोई किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि वो भी किसान के पुत्र हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? किसान के पुत्र है, हमें तो पता नहीं, हमने सोची व्यापारी जी के दिखे, उनके फादर साहब व्यापारी हैं। मैं आपको बता दूं वे काहे को बोलेंगे, जब जेड सुरक्षा सरकार ने दी उन्हें तुरंत सरकार आते ही उन्हें जेड सुरक्षा मिल गई तो वे क्यों बोलेंगे? तो सरकार के समर्थन करेंगे, करा किसी किसान भाई को नमन, करा किसी से मिले हुए करी बात किसी से करेंगे वे। और एक अन्ना हजारे जी थे जो पहले भ्रष्टाचार के ऊपर उन्होंने आंदोलन भी किया था, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा, अभी वो कह रहे कि हम आंदोलन की धमकी, उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को, या तो सरकार इनको माने नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। हो सके उनकी तबीयत ठीक ना हो अन्ना हजारे जी की, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो, हो सकता है अगर उन्होंने धमकी दी है ऐसी, उन्होंने सरकार को अगर धमकी दी है जरूर वो सहयोग करेंगे, ऐसा भी तो हो सके बुजुर्ग आदमी तबीयत खराब हो। सबसे पहले तो ये वाली बात बता दूं मैं आपको, जिन्होंने भी उन्हें ढूंढ के इस बात का बाइट उनकी लिया है धमकी देने वाली, ये बड़े अकलबंदी का काम करा, क्योंकि वे दिखाई नहीं, क्योंकि 6 साल से कोई नजर ही नहीं आ रही, उससे पहले उन्होंने काफी आंदोलन भी किए हैं। अरे भैया अब आगे कर लेंगे, कहता दी उन्होंने कि आगे करेंगे, अगर ना बात मानी तो कुछ आप बता कि ऐसा हो कहीं बिजी होंगे काम वाम में, बेचारे बुजुर्ग आदमी है हमारे, तबीयत वबीयत ठीक ना होगी उनकी, आ जाएंगे जब उन्हें दिखेगी देश का ज्यादा नाश होने लग रहा, देश का युवा मरण लग रहा है, हमारे बुजुर्ग मरण लग रहे हैं, उनकी शहादतें हो गई हैं, और अब देश के युवा की बारी है, बिल्कुल आएंगे। यूपी से इतना नाराज क्यों? वो तो स्वदेशी को यहाँ बढ़ावा दे रहे हिंदुस्तान के। भैया स्वदेशी हम अपने खेत में गेहूँ बनाएंगे, हम वहाँ खाएंगे, सरसों के खेत में करेंगे, जब वहाँ तेल सू रोटी सब्जी बनाएंगे, आलू भी बोने जा रहे, सारे काम हम करने जा रहे हैं। रामदेव बाबा सुनो नाराज हो, इतना पैसा क्यों सिक्योरिटी में लग रहा भैया? ऐसी बात करो तुम नाराजगी मेरी सही है बिल्कुल कतई। कहा देश के लिए ऐसी उपलब्धि दी उन्होंने जो इतना क्या क्या मैं उनकी सुरक्षा में इतना पैसा खराब हो रहा, और ना यहाँ देश में व्यापारी और भी तो है, रतन टाटा जी भी है और भी बड़े बड़े उद्योगपति है, उन्हें कहा क्यों ना दी? इन पे इतनी मेहरबानी सरकार की क्यों हुई? कहा मामला मामला का बताओ, उसके प्रोजेक्ट भी सारे महंगे हैं, कोई भी दवाई सैंपल उनके फेल हुए सैंपल। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ऐसा काम मिला हमें पौने दो आंख वाले लाला रामदेव जी जो 45 रुपए की लोन का आटा हो जावे। अरे लाला रामदेव में बाबा रामदेव ना व्यापारी बन गया पे। लाला बाबा का काम हो, बाबा का काम, बाबा का जो उनका काम है योग करवाना, हम जैसे युवाओं को स्वस्थ रखना, बड़े बुजुर्गों को स्वस्थ रखना, व्यापार बना करना हो उनका। बताओ तुम व्यापार व्यापारी बंद कर रहे हो, उन्हें वहीं रहना चाहिए। 500 करोड़ का आदमी, 12,500 करोड़ का बीजेपी सरकार में। तो कपड़े लुगाई के पैर के बच गए, मतलब भी कोई नहीं। हम मैं एक बात और बता दूं, इस आंदोलन में हमारे देश का कोई भी किसान शहादत अपनी देनी पसंद करेगा, इनकी तरह सूट सलवार पहन के भागना पसंद न करेगा। ठीक है, जैसा ये भागे थे 50 किसानों की शहादत होगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसानों के लिए ना तो कोई सहायता देने का आह्वान किया, ना किसी तरह कोई बयानबाजी सामने आई। एक बात बताओ, जो आदमी किसी के कंट्रोल पावर में चल रहा हो, ठीक, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, क्या पता वो कंट्रोल पावर ने मना कर दी हो, शहादत मत दियो, नमन मत करियो भैया, पूरा देश दूसरे उस आदमी के चक्कर में, औरन के चक्कर में चल रहा है, तो खामखा की बुजुर्ग आदमी मोदी जी फंस गए, खामखा की यू इन्होंने सरकार का नाश इन्होंने करा, बड़े बड़े उद्योगपति ने, या हमारे में ना दे रहे होंगे, नमन ना कर रहे होंगे। ठीक है, और दूसरी बात, हमने उन्हें बनाया, उन्हें यहाँ आना चाहिए हमारे बीच में, कहाँ जरूरत पड़ रही इन्हें किसान से टक्कर लेने की, डेथ वारंट किसान के निकालने की, इन्होंने इतने बिल पास करे मैं दिखी कहीं?
किसी को मैं दिखी, आज मैं इस आंदोलन में हूँ। ईश्वर की दुआ से इतनी मेरी वीडियो वायरल होगी, इतनी आवाज लोगों की बुलंद हो गई, मेरी आवाज इतनी पहुंची। किसी भी इनका मैंने कभी विरोध करा नहीं, करा क्यों करा, मैंने नहीं तो कराई किसान का, इन्होंने कर दी मट्टी पलीत। 27 एक गाजियाबाद में एक शमशान घाट की एक बिल्डिंग गिर गई जो दो महीने पहले बनाई, इसमें 25 लोग मर गए, उस पे सरकार ने भैंस भी भैया बहुत जल गई, मैंने वीडियो देखी, वो भैंस भी बहुत ज्यादा, अभी एक वीडियो आ रही है वो भैंस भी जली किसानन की। और वे इतने आदमी वो बिल्डिंग बनाई कि नहीं, किसने बनाई वो बिल्डिंग सरकार, किसने बनाई आप बताओ, जवाब नहीं देते यार, चुप हो जा। मैं सरकार ने बनाई हो तो दो महीने पहले बनाई, किसने वो बिल्डिंग, वो सरकार ने बनाई थी, पक्का पता आपको सरकार ने बनाई, बिल्कुल पता पत्रकार महोदय, सब सरकार ने बनाई। अब तुम देखो और कहा देश के दावा दावा कहीं मारेंगे हमें, और कैसे मारेंगे, यू देश का नाश ऐसी तो करेंगे, बताओ तुम। और 55 लाख रुपए का टेंडर था, 55 लाख का टेंडर था, लो बताओ, ऐसे 55 लाख 29, 30, 40 आदमी से ज्यादा है, 55 लाख ज्यादा है, वे आदमी की कोई वैल्यू नहीं, किसी के घर में एक था, किसी का जवान बेटा था, किसी का एक बच्चा था, किसी घर में कमाने वाला एक था, उनकी वैल्यू कुछ नहीं, 55 लाख की वैल्यू ज्यादा मानी इन्होंने। सरकार ये कह रही है कि ये पंजाब के आए हुए किसान, आप यूपी से आए हो, आप क्या कहना चाहो, यूपी तो आया, आईडी दिखाओ, ये बात पे इतना बवाल उठा रखा पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा पूरे देश का किसान यहाँ मौजूद है, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, किसी धर्म समुदाय से यह बात को ना जोड़ा, ना किसी एक स्टेट से जोड़ा, पूरे देश का किसान यहाँ पे मौजूद है, बता किसकी आईडी दिखाओ, बता भैया हरियाणा पंजाब यूपी कुछ नहीं है, हमें एडवोकेट दियो रे बोलो नगर का, हमें नहीं मानते किसान, ओड़े क्यों नहीं बोलते कि एक हरियाणा पंजाब, अरे ये बात मान के पूछते कैसे ना हो तुम, वहां पे बोलो आईडी निकलवा के दिखवाओ इनके सारों की, यू यूपी सारा भैया, यू यूपी सारा, वे मेरे अंकल जी यूपी सारे, इतनी दूर से बुलंदशहर आई मैं चल के, यूपी तो हूं मैं, और बुलंदशहर जिला बुलंदशहर यूपी, यूपी में ही तो हूं, कौन से पाकिस्तान में, खामखा की बात कर रहे हैं मेरे भाई,